अस्सलाम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में। तो आज हमारे किचन में बन रही है ज़बरदस्ती डालगोना कॉफ़ी। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जो कॉफ़ी के शौकीन है तो क्यों ना हम लोग सर्दियों में पीते हैं, तो गर्मियों में भी हम लोग इसको कोल्ड कॉफ़ी भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये बनाएँगे आज बहुत मज़े की। तो जैसे मैं आपको पहले कैपेचिनो बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आज मैंने जो है ये वाली ट्राई की है, तो बहुत मज़े की बनी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। तो गर्मियों में हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, तो चलें मिलके बनाते हैं, तो इसको एंजॉय करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमें जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ली है, 2 टेबल स्पून चीनी है मेरे पास, और 2 टेबल स्पून मेरे पास हॉट वाटर है। तो कॉफ़ी मैंने ये वाली यूज़ की है। तो ये चीज़ें चाहिए हमें डालगोना कॉफ़ी के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी कॉफ़ी, चीनी डाल दूँगी और हॉट वाटर डाल दूँगी। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे बीट, जैसे हम क्रीम चीज़ को बीट करते हैं। तो इस तरह से हम ये सारी साइडों से उतार के तो इसको सेंटर में कर लेंगे। तो इसको और हम बीट करेंगे अच्छे से। देखिए इसको मैंने इस तरह से क्रीमी सा बना लिया है। ये देखिए इसके ऊपर लगा रही थी, ये उतर नहीं रही। इस तरह से हमने इसको बीट करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास ले लिए, अभी मैं आइस क्यूब्स डाल दूँगी। आइस क्यूब्स डाल दिए, अभी मैं इसमें डाल दूँगी दूध। दूध में मैंने पहले से चीनी ऐड की हुई है। इस तरह से मैं कॉफ़ी डाल दूँगी। ये मैंने आपको मशीन से बनाना सिखाई है, तो मैंने आपको हैंड से भी आपको बनाना सिखाई हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वो कैपेचिनो मैंने बनाई थी तो वो मैंने हैंड से आपको बनाना सिखाई थी, तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डाल दिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चॉकलेट चिप डाल दूँगी, आप चाहें तो कॉफ़ी भी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं। जी तो ये देखें, ज़बरदस्ती हमारी कॉफ़ी जो है वो रेडी हो गई है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत मज़े की बनती है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप लोग इसको ट्राई करें और बहुत मज़े की है। थैंक यू।